आज के टाइम पे एक कैमरा स्मार्टफोन चूज़ करना, वो भी अंडर 20,000, किसी भी यूज़र के लिए काफ़ी मुश्किल काम है। लेकिन डोंट वरी, आज की इस वीडियो में हम टॉप 5 बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन के बारे में बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आपको सारी चीज़ें पता चल जाए। तो चलिए, हमेशा की तरह टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और टॉप 5 बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन अंडर 20,000 का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। पाँचवें नंबर पे आता है वीवो T3। अगर कैमरा स्पेक्स के बारे में बात करेंगे तो इसमें आपको 50+2 ऐसे डुअल रियर कैमरा सेटअप का सपोर्ट देखने को मिलता है विथ OIS। साथ में आपको 16 मेगापिक्सल की सेल्फी का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। रियर कैमरा से आप 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर रियर कैमरा के सैंपल्स देखेंगे तो फोटोज सही में अच्छे निकल के आते हैं। डायनेमिक रेंज अच्छा है, कलर एक्यूरेसी भी अच्छी है, शार्प है फोटोज़, तो देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। तो ओवरऑल कैमरा काफ़ी अच्छा है, बस अल्ट्रा वाइड सेंसर अगर होता तो और भी ज़्यादा अच्छा हो सकता था। साथ ही साथ इसके अंदर आपको डायमेंसिटी 70-200 का सपोर्ट देखने को मिलता है, साथ में 120Hz एमोलेड डिस्प्ले, 5000mAh बैटरी, 44W फास्ट चार्जिंग, एंड्रॉयड 14। और अगर प्राइस के बारे में बात करेंगे तो इसके ऑफर के दौरान प्राइस 18,000 तक भी आती है, लेकिन इसकी ओरिजिनल प्राइस 19,999 से स्टार्ट होती है। चौथे नंबर पे आता है मोटो G85 5G। इसके अंदर भी आपको 50+8 ऐसा डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। OIS का सपोर्ट है लेकिन 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट नहीं करता है। साथ में 32 मेगापिक्सल की सेल्फी का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। अगर इसके रियर कैमरा के सैंपल्स देखेंगे तो इसके फोटोज़ भी सही में अच्छे निकल के आते हैं। थोड़ा ओवर सैचुरेटेड रहता है लेकिन देखने में काफ़ी अच्छा लगता है, शार्पनेस अच्छा है, तो उस वजह से कैमरा इसका थोड़ा बेहतर है अगर वीवो T3 से कंपेयर करें तो। साथ में अल्ट्रा वाइड सेंसर का भी सपोर्ट है जिसे आप मैक्रो और डेप्थ के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, उसके भी कुछ फोटोज़ मैं दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे। तो ओवरऑल कैमरा इसका अच्छा है, अगर 4K वीडियो रिकॉर्डिंग को छोड़ दें तो बाकी कैमरा इसका सही में अच्छा है। साथ ही साथ इसके अंदर आपको स्नैपड्रैगन 6X Gen 3 का सपोर्ट देखने को मिलता है, 120Hz POLED डिस्प्ले का भी सपोर्ट देखने को मिलता है, 5000mAh बैटरी, 33W फास्ट चार्जिंग, एंड्रॉयड 14 का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। और प्राइस का बात करेंगे तो इसकी प्राइस इंडिया में 17,999 से स्टार्ट होती है। तीसरे नंबर पे आता है Realme 12+5G। अगर कैमरा स्पेक्स के बारे में बात करेंगे तो इसमें आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप का सपोर्ट देखने को मिलता है, 50+8+2, 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का भी सपोर्ट है और OIS का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। साथ में 16 मेगापिक्सल की सेल्फी का सपोर्ट मिलता है। अगर इसके रियर कैमरा के सैंपल्स देखेंगे तो इसके फोटोज़ भी अच्छे निकल के आते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे वो डेलाइट कंडीशन हो या नाइट कंडीशन, फोटो शार्प है, ओवर सैचुरेटेड रहता है लेकिन देखने में अच्छा लगता है। साथ ही साथ इसके अंदर आपको डायमेंसिटी 70-50 का सपोर्ट मिलता है, 120Hz एमोलेड डिस्प्ले का भी सपोर्ट है, 5000mAh बैटरी, 67W फास्ट चार्जिंग, एंड्रॉयड 14 का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। और प्राइस के बारे में बात करेंगे तो इंडिपेंडेंस डे सेल में आपको ये 17,000 तक मिल जाएगा, बाकी अगर आप इसे सेल में बाय नहीं करते हैं तो ये आपको 19,999 के प्राइस पे मिलने वाला है। दूसरे नंबर पे आता है Realme Narzo 70 Pro 5G। अगर कैमरा स्पेक्स के बारे में बात करेंगे तो इसमें भी आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप का सपोर्ट देखने को मिलता है, 50+8+2, इसके अंदर भी आप 4K वीडियो रिकॉर्डिंग शूट कर सकते हैं रियर कैमरा से, साथ में 16 मेगापिक्सल की सेल्फी का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। अगर इसके रियर कैमरा के सैंपल्स देखते हैं तो पिछले 3 स्मार्टफोन से ये ज़्यादा बेहतर शूट कर पाता है, क्योंकि इसके अंदर Realme ने IMX890 सेंसर यूज़ किया हुआ है जो हमें फ्लैगशिप स्मार्टफोन में देखने को मिला था, जैसे कि OnePlus 11, जिसकी वजह से सही में इसके फोटोज़ और भी ज़्यादा बेहतर निकल के आते हैं। और इसके अंदर भी आपको डायमेंसिटी 70-50 का सपोर्ट देखने को मिलता है, साथ ही 120Hz फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले, 5000mAh बैटरी, 67W फास्ट चार्जिंग, एंड्रॉयड 14। और प्राइस के बारे में बात करेंगे तो इसकी प्राइस इंडिया में वैसे तो 19,999 से स्टार्ट होती है, लेकिन अभी आप इसे 17,000 में बाय कर सकते हैं और इंडिपेंडेंस डे सेल के दौरान आप इसे अमेजोन पे 15,000 तक भी बाय कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन आप किस तरह के ऑफर्स लगा पाते हैं, लेकिन फिर भी आप इसे 17,000 तक इजीली बाय कर ही सकते हैं। पहले नंबर पे आता है सैमसंग गैलेक्सी M35 5G। इसके अंदर भी आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप का सपोर्ट देखने को मिलता है, 50+8+2, रियर कैमरा से आप 4K वीडियो रिकॉर्डिंग शूट कर सकते हैं, साथ में 13 मेगापिक्सल की सेल्फी, और ख़ास बात यह है कि आप सेल्फी से भी 4K वीडियो रिकॉर्डिंग शूट कर सकते हैं।
और 4K वीडियो रिकॉर्डिंग वो भी सेल्फी कैमरा से अंडर 20,000 किसी सरप्राइज से कम नहीं है। और रियर कैमरा में आपको OIS का सपोर्ट तो देखने को मिलता ही है। और अगर रियर कैमरा के सैंपल्स देखेंगे तो इसके रियर कैमरा के सैंपल्स भी बहुत ही अच्छे निकल के आते हैं। सैमसंग का स्मार्टफोन है तो कैमरा इसका ख़राब हो नहीं सकता और वो आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। बाकी इसके अंदर आपको एक्जीनोस 1380 5G चिपसेट का सपोर्ट देखने को मिलता है, 120Hz सुपर एमोलेड डिस्प्ले, 6000mAh बैटरी, 25W फास्ट चार्जिंग, एंड्रॉयड 14, 4 ईयर्स के अपडेट भी अंडर 20,000 कोई सरप्राइज से कम नहीं है। और प्राइस का हम बात करेंगे तो इसकी प्राइस इंडिया में 19,999 से स्टार्ट होती है। और मैं एक बात बता दूँ कि इसके बॉक्स के अंदर आपको एडाप्टर नहीं मिलता है तो इसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, यही थे कुछ टॉप 5 बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन अंडर 20,000। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग एंड थैंक्स।